टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर के सुसाइड केस में आया नया मोड़। वैशाली की सुसाइड नोट ने उठाया राज से पर्दा और पड़ोसी राहुल का नाम आया सामने। जी हाँ, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है और ससुराल सिमर का फेम एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर की मौत की खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया। वहीं अब वैशाली सुसाइड केस में आया है नया मोड़, जब पुलिस ने घटनास्थल से सुसाइड नोट भी किया है बरामद, जिसमें वैशाली ने पड़ोसी के नाम का किया है जिक्र। जी हां, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस केस से जुड़ी जांच टीम को एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें लिखा है कि वो परेशान थी और उनका पड़ोसी जिसका नाम राहुल है, वो पेशे से बिजनेसमैन है, वो उसे हरेस कर रहा था और उसी से परेशान होकर वैशाली ने सुसाइड करने का फैसला किया। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो राहुल वैशाली का ही पड़ोसी था। सुसाइड नोट इस बात का इशारा कर रहा है कि वैशाली को वो हरेस करता था और इसी वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठाया। दरअसल वैशाली किसी और से शादी करने वाली थी और राहुल उसे इसी बात को लेकर परेशान कर रहा था। फिलहाल पुलिस वैशाली ठक्कर सुसाइड मामले की जांच कर रही है, जहां पुलिस ने इस बात का खुलासा किया है कि राहुल शादीशुदा है और वो घर में ताला लगाकर फरार है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस की टीम अभी भी राहुल के ठिकाने का पता लगाने की कोशिश कर रही है, ताकि उससे पूछताछ की जा सके।